सर माहौल शानदार सर सी एनल फाइनल ट्रैक बैच शुरू करेगा सर ओके सरकार माहौल uh, सबसे पहली बात इस बैच में वॉट वी आर गोइंग टू कवर अगर आप इंडार टेक्स पहली बार पढ़ रहे हो <coughs> पहली बार आपने पहले कभी नहीं पढ़ाया तो दिस बैच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यूर गाइज ओके सो ये बैच उन्हीं के लिए जिन्होंने एक बार इंडार टेक्स पढ़ा हुआ है ओके okay, सर इस बेच में ऑल कॉन्सेप्ट जितने भी इंडा टैक्स के हैं ऑल वी आर गोइंग टू कवर अलोंग द ओके सर सबसे पहली बात इंड टैक्स शुरू करेंगे इंडायरेक्ट टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्लस कस्टम्स एंड एफटीपी आपके सिलेबस में आता है ओके सर शुरू करेंगे कहां से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब से आया भाई ये जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन आखिर ऐसा क्या हुआ था वॉट वॉज द रिक्वायरमेंट वाई दिस जी एस टी कैम टू एक्सिस्टेंस वॉज द लकूना जीएसटी अगर हम मेजर टैक्सेस की बात करें ऑन गुड्स ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन एक्साइज ड्यूटी वॉज चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स सेल्स टैक्स वेट वॉज चार्ज ऑन सर्विसेज सर्विस टैक्स वॉज चार्ज क्लियर सर अब क्या होता था प्रैक्टिकली अगर मैं मैं मान लू मैन्युफेक्चर हूं सर मैं जब गुड्स बना के बेचूंगा तो सर सिंस मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए इसलिए क्या लगेगा भाई एक्साइज प्लस मैंने सेल भी किया है क्या लगेगा वेट सेल्स टैक्स अच्छा एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेट वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं क्या लगेगा भाई सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओके okay. सर अब सर्विस टैक्स हो या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो दोनों रेवेन्यू किसका था भाई सेंट्रल गवर्नमेंट वेट सेल्स टैक्स किसका रेवेन्यू है सर स्टेट गवर्नमेंट पक्का ओके okay. अच्छा सर्विस टैक्स हो या सेंट्रल एक्साइज हो सिंस दोनों रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का इसलिए इन दोनों टैक्सेस का सैनवेट क्रेडिट मिलता था क्या मिलता था भाई अगर आपने परचेज पे सर्विस टैक्स पे किया हो या एक्साइज पे किया हो कोई कंसर्न नहीं है दोनों को एक ही अकाउंट था नाम क्या था सैनवेड क्रेडिट और अगर आपकी लाइब्रिटी पर अगर आपकी सेल पर लाइब्रिटी किसकी एक्साइज की या सर्विस टैक्स की देन यू कैन यूटिलाइज द ऑफ क्रेडिट और अगर आपके सेल पर वेट लग रहा है और परचेस पे आपने वेट पे किया है तो सिंस परचेस पे आपने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है सो स्टेट गवर्नमेंट विल गिव द आई टीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट देगा आपको और वो क्रेडिट आप यूज कर सकते हो टू पे द लाइब्रेटी ऑन योर सेल्स क्लियर पका छोटा सा एग्जाम्पल यहां ले रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम आएगा भले जीएसटी हो या पुराने लोज हो ओके देखना ध्यान से आप मस्त हो गया तो सर शुरू करो अपनी बात लेके प्रभु का नाम पका चले सर <coughs> सर देखना ध्यान से ट प्लस वेट अच्छा अभी दिखा ओके सर सैनवेट प्लस वेट ज़ूम आउट क्या इसलिए हो रहा है ओके ओके विजिबल है लास्ट में सबको पका पका ठीक सर मान लो आई एम अ आई एम अ मैनुफैक्चरर मैं गुड्स बनाता हूं साहब क्लियर गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने कुछ इनपुट्स परचेज किए कुछ मशीन्स परचेस करी या मैंने कुछ सर्विसेज परचेज करी सर आपसे कंसल्टेंसी ली आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली आपसे सर इंजीनियरिंग सर्विसेज ली, सर, ली अरे हाँ है ना सर ओके okay. तो मैंने बहुत सारे इनपुट्स परचेज किए कुछ मशीन मतलब कैपिटल गुड्स परचेज किए बहुत सारी मैंने इनपुट सर्विसेज परचेज करी सपोज वो परचेज okay, किया रुपीज हंड्रेड में ओके सर सर गुड्स जब परचेज किया कैपिटल गुड्स जब परचेज किया इनपुट परचेज किया वो परचेज किया मान लो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से किससे परचेज किया सर मैन्युफैक्चरर से उससे जब परचेज किया उसने क्या बिल लगाया हुआ बिल पे एक्साइज ड्यूटी क्या लगाया हुआ सर एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सर्विसेज ली होगी तो क्या लगाया सर सर्विस टैक्स ये मैंने परचेज पर एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स पे किया सपोज क्लियर टोटल कितना कितना हो गया, सर? कितना हो गया गया सर सर टोटल 110 अच्छा जितना आप लोग इंटरेक्ट करोगे उतना मजा आपको भी आएगा उतना मजा मेरे को भी आएगा एंड सर यू you नो know, बैच कब खत्म होगा पता ही नहीं पड़ेगा सर ओके okay? और जो वीडियो क्लासेस में बच्चों प्लीज आपको भी मेरे साथ बात करनी है ओके okay. सर टोटल आपने 110 एंड टेन परचेज टेन पे किया प्लस 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 सिंस वो गुड्स अब परचेज किया देखो सर्विसेज पे तो वेट नहीं लगता था बेटा सर्विसेज पर वेट नहीं लगता था पर सर सर आपने जो इनपुट और कैपिटल गुड्स परचेज किया उस पर वेट पे किया होगा सर आपने आपने वेट भी पे किया कितना सपोज फोर परसेंट कितना होता सर फोर पॉइंट फोर जीरो टोटल कम्स टू वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो दिस इज योर परचेज इन वॉइस इस तरह का परचेज भी लाता था सर अच्छा ध्यान देना सर्विसेज पर वेट नहीं लगता था बेटा है ना क्लियर है तो मैंने ठीक है कंबाइन करके लिखा इसलिए ऐसा लिखा हुआ है ओके मालिक अरे ठीक है सर परचेज किया हंड्रेड एंड फोर्टीन पॉइंट फोर में तो बना, मतलब सेल करने पर वेट भी लग रहा है मैंने परचेज पे एक्साइज भी पे किया सर्विस टैक्स भी पे किया और वेट भी पे किया आप मुझे बताओ क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर तो सर जो मैंने एक्साइज पे किया सर्विस टैक्स पे किया उसका मुझे क्या मिल जाएगा सर सैनवेट क्रेडिट मैंने क्रेडिट ले ली सर या सर लिख दो क्रेडिट टेकन और क्रेडिट टेकन कितना बेटा टेन सिंस मेरे सेल पर वेट भी लग रहा है परचेज पे वेट पे किया क्या मिल जाएगा मेरे को वेट का क्रेडिट मिल जाएगा सर तो वेट क्रेडिट टेकन या अवेल्ड एक ही बात है सर मालिक 4.40 अरे क्लियर ये मेरा परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका मैंने आईटीसी ले लिया अब मैंने आउटपुट गुड्स बनाया होगा आउटपुट गुड्स बनाने के लिए मैंने अपने लिए कुछ खर्चे किए होंगे सर सम एक्सपेंसेस आई वुड हैड इनकर्ड क्लियर सर मैंने मान लो प्लास्टिक परचेज किया प्लास्टिक से क्या बनाया सर मार्कर आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स क्लियर

टोटल कम्स टू वन फिफ्टी फोर अब मैं इसको बेचूंगा अच्छा सर्विस होगा तो कुछ भी वेट नहीं लगता पर मान लो गुड्स बेटा गुड्स पे क्या लगेगा सर वेट गुड्स पे क्या लगेगा मालिक वेट सपोज फोर परसेंट वेट कितना हुआ सर सिक्स पॉइंट वन सिक्स टोटल वन सिक्सटी पॉइंट वन सिक्स इज योर टोटल इनवॉइस वैल्यू बेटा क्लियर सिक्स वन आपने टोटल इनवॉइस बनाया कस्टमर से आपने 160.16 ले लिया होगा क्लियर 160.16 अब कस्टमर से लिया होगा अब इसमें से क्या पूरा 160.16 आपका खुद का रेवेन्यू है नहीं इसमें से सर 14 किसका रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है आप कस्टमर से टैक्स लेते हो और गवर्नमेंट को पे करते हो आप कस्टमर से जो टैक्स ले रहे हो आपकी रेवेन्यू नहीं है देट इज बिंग कलेक्टेड बाय गु क्ट टैक्स ना यार क्योंकि टैक्स लेने वाला वो देने वाले आप पर किसी और के थ्रू लिया लिया तो उन्होंने दिया आप नहीं है पर डायरेक्टली नहीं लिया उन्होंने इंडायरेक्टली लिया इंड टैक्स क्लियर अब सर फोर्टीन रुपीज एक्साइज पे करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे सर आपको याद आया कि टेन रुपीज तो टैक्स में ऑलरेडी पे कर चुका था एक तरह से एडवांस टैक्स स टैक्सरे पेड ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स को बोलता कैश लेजर से पे कियाजर से फोर भी पे करेंगे आप बच्चों क्लियर समझे मेरी बात ओके सिक्स पॉइंट वन सिक्स किसका रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बच्चों क्लियर किसको पे करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे क्या स्टेट गवर्नमेंट को आपने ऑलरेडी को टैक्स पे किया था क्या सर पे किया था उसे आपने क्रेडिट लिया था क्या सर यस yes, वो क्रेडिट क्या कर लेंगे सर आप यूटिलाइज करेंगे यस या नो अरे पक्का 100 परसेंट डन क्लियर तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर क्रेडिट कैसे रूट हो रहा समझ मारा आपको सो माई पिन पॉइंट टू दी पॉइंट क्वेश्चन इज दैट ये आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला ये क्वेश्चन हमने कई बार सुना होगा शायद क्लियर सो so, आज देख भी लो सर दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि <coughs> टैक्स जो लग रहा है देखो एक मिथ होता है और एक मिसकंसेप्शन है कि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है गलत अगर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता तो यार आपने भी तो कपड़े खरीदे आपने भी मोबाइल खरीदा है आपने बहुत सारी चीजें खरीदी होगी यार उस पर टैक्स पे किया होगा आपने क्या कभी क्रेडिट लिया है नहीं लिया तो परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है सर सर अच्छा आप बोलेंगे हम तो एंड कंज्यूमर है मान लो चलो सर मैं मैन्युफैक्चरर हूं पर मेरी जो गुड्स है दोज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एग्जाम उस पर एक्साइज नहीं लगता उस पर वेट नहीं लगता चलो मेरी सेल पे कोई टैक्स नहीं है सर अब परचेस पे जो रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया है कैपिटल गुड्स मैंने परचेस किया है सर्विसेज परचेज किए उन पर मैंने टैक्स पे किया सर आपको लगता है क्रेडिट मिलना चाहिए क्या आपको लगता है क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं क्यों मेरी सेल एग्जिमट है क्लियर इसलिए परचेस पे टैक्स पे किया है जरूर नहीं क्रेडिट मिलेगा सर तो क्रेडिट क्यों मिलेगा पहले वो समझिए सर आप क्लियर क्रेडिट क्यों मिलेगा क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे वन फोर्टी पे लग रहा है देखो ध्यान से आराम से फील करो सर और मैं कह रहा हूं मस्त होके पढ़ो सर पूरी दुनिया भूल जाओ आप, आप और हम बस यहाँ पे बैठे मस्त होके बात करें एक एक वर्ड आपके दिल में पहुंचना चाहिए सर तो मतलब सर यहाँ बैठने का क्लियर सर सुना ध्यान से बात को बस आप और मैं और कोई भी नहीं सर बस पूरा दिल दिमाग सब इधर मोबाइल वगैरह बिल्कुल साइलेंड रख देना सर आप क्लियर मजा आएगा सर आपको सर वन फोर्टी टैक्स जो लग रहा है पूरे वन फोर्टी पे लग रहा है हंड्रेड आप देखो ध्यान से आप देखिए ध्यान से। सर जो मेरा टैक्स लग रहा है सेल पर वो लग रहा है पूरे वन फोर्टी पर विच इंक्लूड्स हंड्रेड ऑन विच वीलरेडी पेड द टैक्स एक्साइज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं यार और वापस है पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है वापस है वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार अगर क्रेडिट नहीं दिया तो टैक्स पर टैक्स लग जाएगा क्योंकि टैक्स भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा और कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो वो भी सेल सेल प्राइस प्राइस का पार का पार्ट पार्ट बनेगा बनेगा तो उस पे भी टैक्स लग जाएगा सर दैट्स इज कॉल्ड इफेक्ट टैक्स टैक्स ऑन इज कॉल्ड कोल्ड इफेक्ट और सेम वैल्यू पे वापस से टैक्स लगना इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन डबल टैक्सेशन बोल दो पर मल्टीपल चेन अगर जोड़ देंगे हम तो मल्टीपल टैक्सेशन हो जाएगा इसलिए बेटर टू से मल्टीपल टैक्सेशन क्लियर अगर देखो सर 140 पे वापस से टैक्स लग रहा है विच इंक्लूड्स हंड्रेड टैक्स और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पर टैक्स लग रहा है मल्टीपल टैक्स हो जाएगा कैश कटिंग इफेक्ट हो जाएगा सो टू अवॉइड एंड कैश कटिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला समझ में आया कि नहीं आया सर पक्का तो मैं वापस से बोल रहा हूं फिर आपको बोलना है सर ओके तो सर दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे वन फोर्टी पे लग रहा है विच इंक्लूड हंड्रेड ऑन विच वी है टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है सो टू ओवर दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला पका 100 परसेंट डन सर एक बार आंखें बंद आखे बंद करके आपको इमेजिन करना दस का क्रेडिट क्यों मिला रटना नहीं है सर जस्ट आप देखते जाइए फ्लो कहा से कहा चल रहा है आखिर बंद सर आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला जो वीडियो क्लास में उनको भी मैं देख रहा हूं भाई सर आगे बंद दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा हो पूरे वन फोर्टी पे लग रहा है यार विच इंक्लूड हंड्रेड जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके यार और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है मल्टीपल टैक्स हो जाएगा कैश इफेक्ट हो जाएगा टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला ओम शांति शांति ध्यान से इधर <laughs> सो सोमो जाना हो सर यहाँ तक क्लियर पक्का चलिए सर समझ में आया चलो मेरा क्वेश्चन पता आप आपसे आप आखिर ये 4.4 का क्रेडिट क्यों मिला सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला यस yes, सर बोलो सर आपने इमेजिन किया है क्लियर अब उसको आप फिगर चेंज करिए बोलिए सर आप 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स विच इज 4.4 और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है सो टू अवर्ड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश कैन इनफैक्ट फोर फोर का वेट क्रेडिट मिला मतलब सैनवेट हो या वेट हो कॉन्सेप्टी सेम बस फर्क क्या पड़ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स गवर्नमेंट को पे किया क्या उसका क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट देगी चलो मेरा पूछने का मतलब यह है समझाता आपको सपोज आपके पास वेट का क्रेडिट एक्स्ट्रा है और सेंडवेट क्रेडिट कम है सर क्या वेट का क्रेडिट सेंडविट में काम आएगा आपने मान लो वेट पे किया हुआ साहब और वेट का क्रेडिट एक्स्ट्रा है और सेल पे लाइविटी एक्साइज की आ रही है सर एक्साइज को पे करने के लिए क्या वेट का क्रेडिट यूज कर सकते हो क्या आप पक्का नहीं अच्छा मान लो आपके पास सेंडविट क्रेडिट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और लाइविटी वेट की आ रही है क्या वेट का लाइविटी के लिए सेंडविट क्रेडिट यूज कर सकते हो क्या सर आप नहीं क्यों क्योंकि जब पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को हाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव द क्रेडिट एंड सेम इज द सिस्टम फॉर वाइस है भाई yes, तो वही तो सिस्टम है सीजीएसटी और एसजीएसटी yes, का क्लियर लॉजिकल समझो आप हमेशा लॉज किसने बनाए सारे कानून किसने बनाए हमने बनाए गवर्नमेंट कौन हम लोग पार्लियामेंट पार्लियामेंट कौन हम ही तो है हमारा ही रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में साहब अरे क्लियर सर इसलिए डेमोक्रेसी यार जो लॉ बनते हैं वो सारे प्रैक्टिकल बनते हैं और सर हमको समझ में अगर आ गए तो देश की जनता को हम समझा देंगे सर ओके okay? सर सुना बात को ध्यान से अब मेरा पॉइंट आपसे ये है अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई सप्लाय है, है क्या मेरे को क्रेडिट मिलेगा अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेमट है मेरी सेल पे टैक्स नहीं लग रहा क्या मेरे को आई मिलेगा पक्का नहीं मिलेगा चलिए सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आता है फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरा आपसे मान लो मेरी सेल पर एक्साइज लगता है पर वेट नहीं लगता मेरी सेल पर एक साइज लगता है पर वेट नहीं लगता मैं मैन्युफैक्चर करता हूं मार्कर्स को अब मुझे बताओ मेरे को किसका किसका मिलेगा 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 और नहीं या सबका से, मतलब एक साइज का सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा बेटा यस मैंने परचेज में पर वेट पे किया मान लो मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक परचेस किया प्लास्टिक पे पर एक्साइज किया वेट भी पे किया पर मेरे मार्कर पे वेट एक्सम एक्साइज लगता है जी वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि जब मेरे सेल पे टैक्स लग ही रहा अभी आपने बोला सर मेरे को 4.4 का वेट क्रेट क्यों मिला सर क्योंकि मेरे 154 पे वेट लग रहा है इसलिए मेरे को जो 4.4 पॉइंट फोर है उसका क्रेड मिला था सर जब मेरे 154 पे वेट लग ही रहा है मेरे को 4.4 का वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा अच्छा मान लो मेरी सेल पर एक एक्साइज एग्जाम पर वेट लगता है मालिक

मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि परचेस पे टैक्स पे किया क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा डन पका हंड्रेड परसेंट चलो सर अब कहानी आपको मस्त समझ में आएगी मान लो यस बहुत बढ़िया सर जैसे ही मैंने यस इनको पता है सर जैसे ही मैंने बोला मान लो आपको क्या बोलना है सर मान लिया सर मान लो आई एम अन्युफैक्चर मान लिया सर सर मेरी सेल पर एक्सरसाइज भी लग रहा है मेरी सेल पर वेट भी लगता है सर मैंने परचेज पर अभी बात चल रही है कब बिफोर जीएसटी ओके सर सपोज आई एम आय मैन्युफेक्चर अब मैनुफेक्चर ने जो गुड्स बनाया के बेचा है उस पर एक्साइज भी लग रहा है हम जनरल बात करें सर अभी ठीक है जनरली हम तीन सेक्टर की बात कर रहे हैं मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर की सर्विस uh, सेक्टर की एंड ट्रेडिंग सेक्टर की सर ठीक है बिफोर जीएसटी ओके फिर हम आएंगे जीएसटी के अंदर सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर अब मैन्युफैक्चरर पर देखा जाए तो एक्साइज भी लगता है और वेट भी लगता है तो मैन्युफैक्चरर ने कुछ भी परचेस किया कुछ भी परचेस किया भले सर्विसेज परचेस करी हो भले मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस किया हो या ट्रेडर से गुड्स परचेस किया हो उस पर एक्साइज पे किया हो वेट पे किया हो सर्विस टैक्स पे किया हो सबका आईटीसी उसको मिलने वाला है क्लियर पर अगर मैं ट्रेडर होता मेरा शोरूम है सर आप भी कई सारे शोरूम से सर ए मोबाइल परचेस करता होंगे ना सर मेरा एक शोरूम है सर आई एम अ ट्रेडर मैं गुड्स खरीदता हूँ बेच देता हूं जब मैं गुड्स बेचता हूं तो मेरी सेल भी क्या लगता है मालिक ना एक एक्साइज ना सर्विस टैक्स क्या लगता है केवल वेट अब मान लो आई एम अ ट्रेडर और मैं गुड्स परचेज करता हूं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करता हूं सर अब मैन्युफैक्चर से जब परचेज किया होगा उसने अपने बिल पे क्या लगाया होगा बेटा एक्साइज प्लस वेट मेरी सेल पे क्या लग रहा है सर सिर्फ वेट यू टेल मी क्या मेरे को वेट का क्रेडिट मिलेगा कि मिलेगा सर पर जो एक्साइज पे पेगा उसका नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर मेरी कोश का पार्ट बनेगा सर क्लियर और कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा सेकेंड अगर मैं शोरूम वाला हूँ ट्रेडर हूँ मैंने आपसे कंसल्टेंसी ली है आपसे मार्केटिंग कराई है आपसे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली है आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज ली है सर आप मुझे बताओ आपने सर्विसेज के बिल में वो दिए होंगे सर उस पर क्या लगाया होगा सर्विस टैक्स विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आप मुझे बताओ मेरी सर्विसेज पे लग रहा है क्या सर्विस टैक्स अब मेरे सेल पे लग रहा है क्या वेट अब मैंने जो परचेज किया उस उसमें सर्विस टैक्स पे किया सेल पे लाइब्रेरी केवल वेट की क्या मेरे को सर्विस टैक्स का एक रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा क्या सर नहीं सोच देखो दर्द सर बिफोर जीएसटी अरे सर अकाउंटेंट अपना बिल देता था ना सर बिल उस बिल पे जो सर्विस टैक्स लिखा हुआ है वो तो सीधा कोस्ट है सर उसके लिए हाँ है ना yes, yes. सर चलिए मैं एक सर्विस प्रोवाइडर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर क्या करता हूं साहब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं सर कोचिंग सर्विसेज ले लो बेस्ट एग्जांपल आपके लिए अभी सामने देख रहे हो आप बिफोर जीएसटी मेरी सर्विसेज क्या लगता है सर सर्विस टैक्स मेरी सर्विसेज लग रहा है सर्विस टैक्स अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने कैमरा परचेज किया लैपटॉप परचेज किया आईपैड परचेज किया प्रोजेक्टर परचेज किया एसी परचेज किए इतने सारे जो भी गुड्स दिख रहे चोरी करके तो लाया नहीं है <laughs> सर हम खरीदा होगा सर अब सर ये जो खरीदा होगा किससे खरीदा होगा सर हमने आप बताओ देखो पहली बात तो ये ये चार ए खरीदने हैं किससे खरीदेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर से खरीदोगे जेठालाल <laughs> गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गोरेगा सर वहां हम चले गए चार ए सी परचेज कर लिए हाँ है ना यू टेल मी लैपटॉप चेज किया आईपैड परचेज किया कंप्यूटर परचेज किया ये सारे गुड्स परचेज किए इनके परचेज में हमने क्या पे किया होगा वेट पे क्या होगा सर अभी मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है इनके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता सर ये वाला अब ये जब गुड्स मैंने परचेज किए होंगे इसके परचेज मैंने पे किया वेट मेरी सेल पे क्या लग रहा है बेटा सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू है सर सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परचे वेट पे क्या वो किसका रेवेन्यू सर क्या होगा क्रेडिट क्यों क्यों क्योंकि वेट पे क्या किसको स्टेट गवर्नमेंट को और सर्विस टैक्स किस को पे करना है क्या क्रेडिट मिलेगा सर क्या होता बिल पे तो क्रेडिट मिलता बेटा एक्साइज 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 कब होता बिल पे सर आप सोचिए मैं एक छोटा सर्विस सप्लायर क्या हर दुकान वाला हर शोरूम वाला हर सर्विस सप्लायर क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा दो एसी दो लैपटॉप वगैरह सब कुछ क्या हां जी अच्छा गवर्नमेंट ने तो बहुत इजीली कहा था कि सर्विस प्रोडक्ट तुम चिंता मत करो तुमने जो सर्विसेज ली उस उसपे सर्विस टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा तुमको प्लस तुमने जो गुड्स परचेज किया उसमें जो भी एक्साइज पे किया उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा आपको हम बड़े खुश हो गए कि वाह 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 एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा पर जैसे ही परचेज करने गए बिल पे लिखा हुआ साहब चाहिए क्या जो चाहिए वो है नहीं जो है वो चाहिए है नहीं डोंट लिंक इट विद लाइफ सर <laughs> जिंदगी ऐसी थी बिफोर जीएसटी <laughs> समझा मेरी बात पक्का तो सर परचेज बिल लिखा हुआ रहा है वेट जिसका क्रेडिट मिलेगा नहीं सब क्लियर तो सर इस तरह के लेकुनास थे पुराने लोज के अंदर अच्छा पर उन गुड्स पर जो मैं खरीद रहा हूं उन पे कहीं ना कहीं एक्साइज तो लग चुका है सर भाई मैन्युफैक्चर तो वही ना गुड्स यार और अगर इंपोर्ट भी हुआ, हुआ, हुआ होता वो गुड्स तो कस्टम के साथ में एक एक्साइज एक्साइज के बराबर एडिशनल ड्यूटी लगती थी पहले सर है हाँ ना मतलब एक्साइज तो लग चुका है कहीं ना कहीं उस पर पर क्रेड मेरे को मिल नहीं रहा सो दीज वर द लकुनाज इन द प्रीवियस लोज अच्छा मतलब देखा जाए तो तीन, तीन सेक्टर सर्विस सप्लायर एक्साइज का एक रुपए का क्रेडिट प्रैक्टिकली नहीं मिल पा रहा था इसको सर वेट का क्रेडिट तो उसको वैसे भी नहीं मिलता है हाँ जो मैंने सर्विसेज ली होगी मार्केटिंग सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट ये वो सब कुछ उनका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं आई आया सर्विस सप्लायर ट्रेडिंग वाले को केवल वेट का क्रेडिट मिल रहा है सर। कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा सर्विस का कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा मैन्युफेक्चर को हाँ साहब सारा क्रेडिट मिल रहा था हाँ, उसमें भी कुछ लकुना थे जैसे मैन्युफेक्चर ने अपनी अपने, अपने फैक्ट्री के लिए अपने ऑफिस के लिए ए सी परचेज किया और उसने थोड़ा मैनुफेक्चर तो डायरेक्ट मैनुफेक्चर परचेज कर लेगा सर वहां पर भी कुछ इश्यूज थे इस तरह के सर सैनिट नहीं मिल पाता था सो देर वॉज नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल इफेक्ट को ये जो हर्डल्स इन दी फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी इन सब को इरेडिकेट कर दे रिमूव कर दे एंड सर सपना देखा गवर्नमेंट ने कई सालों पहले जो 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने बहुत फास्ट तरह से इसको इंप्लीमेंट करना चाहा और बोल्ड स्टेप लिया और रातों रात फर्स्ट जुलाई 2017 सब सुबह उठे रात को सोए तो सर्विस टैक्स था सुबह उठे जीएसटी लग गया सर <laughs> और फर्स्ट जुलाई सेवनटीन से क्या लग गया बच्चों जीएसटी एंड सर ने। वन वन टैक्स वन वन कितना है, कितना सिंपल है हम सब समझ रहे बेटा पर पॉइंट वन वन और जीएसटी कर दिया बहुत सिंप्लीफाई भी हुआ नो no डाउट क्लियर वन नेशन वन टैक्स जीएसटी कर दिया पर सिंस अभी अभी हमने बात करी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज नहीं हुए हमारे मालिक स्टेट गवर्नमेंट के भी कई सारे टैक्सेज मर्ज हुए क्लियर इसलिए सिंस हमारा जो यू नो इकोनॉमी है वो ड्यूअल गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी है साहब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसलिए सर जीएसटी रेवेन्यू किसका होगा इस पे डिस्कशन हुआ और बोला क्या फिफ्टी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी आपका फिफ्टी हमारा किसका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियर समझा मेरी बात इसलिए वहां पे आया क्या सी जी एस टी और एस जी एस टी सी किसका रेवेन्यू होगा एस किसका रेवेन्यू होगा और फिफ्टी फिफ्टी परसेंट एटीन परसेंट सकता हूँ सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी अच्छा अब अगर मैं सर्विस सप्लायर हूं तो भी क्या लगेगा सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी मैं अगर एक ट्रेडर हूं तो भी क्या लगेगा सी जी एस टी एंड एस जी एस टी मैन्युफैक्चर हूँ तो भी क्या लगेगा सी जी एस टी और एस जी एस टी परचेज पे जीएसटी पे, पे करूंगा सेल पे जीएसटी पे करूंगा सरकार सारा क्रेडिट एकदम फ्री फ्लो होगा हाँ है ना सर इनफैक्ट मैं तो अपनी बात कर रहा हूं सर मैंने खुद ने आज तक मैं खुद सर्विस टैक्स पढ़ाता था एक्साइज पढ़ाता था दस का क्रेडिट क्यों मिला कोई नया फंडा नहीं है सर ये पिछले बारह साल से पढ़ा रहा हूं मैं मैंने आज तक बिफोर जीएसटी आज तक एक रुपए का सैन्य क्रेडिट मैंने नहीं लिया सर आई वॉज रजिस्टर्ड इन सर्विस टैक्स मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिला लोगों को पढ़ा था दस का क्रेडिट क्यों मिला दस का क्रेडिट क्यों मिला खुद को नहीं मिल रहा है समझा मेरी बात पर जीएसटी आने के बाद जीएसटी करने के बाद मैंने जो भी परचेज किया है सबका क्रेडिट लिया लिए पेन भी परचेज किया ना सर उसका भी मैंने क्रेडिट लिया है सही कह रहा हूं मैं अरे क्लियर समझा आप मेरी बात सो so, ये इफेक्ट आया जीएसटी आने के बाद अल्टीमेटली सर कॉस्टिंग में फर्क आता है सर अरे क्लियर समझा आप मेरी बात तो सर क्रेडिट कैसे मिल रहा समझ आ रहा है क्या आपको तो सर अभी अभी हमने बात किया कि फिफ्टी फिफ्टी जितना सी जीएसटी होगा उतना ही क्या होगा साहब अच्छा आप मस्त होके सुन रहे हो ना समझ में आ रहा है ना सर आपको बस आप सुनो आप पढ़ाई हम कर लेंगे सर और ऐसी पढ़ाई हो जाएगी पता नहीं बढ़ेगा सर आपको क्लियर मस्त हो गए सुनो आप और बात करो इन्वॉल्व हो बस माहौल एकदम बनता रहेगा और सर अभी तो धीरे धीरे चढ़ेगी सर अभी रुको आप क्योंकि चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से सर सुनना बात के ध्यान से <coughs> पॉइंट है मालिक अब सर बात तो हमने बहुत आसानी से कर ली कि सर फिफ्टी परसेंट सी जी एस टी फिफ्टी परसेंट एस जी एस टी जितना सी जी एस टी लगेगा उतना ही एस जी एस टी लगेगा अच्छा सर पहले जब बिफोर जीएसटी किसी गुड्स पे एक्साइज लग रहा है क्या जरूरी क्या उस पर वेट भी लगेगा क्योंकि वेट वॉज द रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपने अपने एक्ट बनाए हुए थे सर क्योंकि देश कौन सा अपना बेटा इंडिया भारत हिंदुस्तान सर यहां स्टेट चेंज करो लोगों के कपड़े चेंज हो जाते सर या स्टेट चेंज करो लोगों के खाना चेंज हो जाता है लोगों का भगवान चेंज हो जाता है सर होता है कि नहीं होता है सर तो हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने वेट लॉस बनाए हुए थे अपने अपने सरकमस्टेंसेज के हिसाब से अपने अपनी सोशल इंपॉर्टेंस को देखते हुए अलग अलग रेट ऑफ वेट लगा रखा था अलग अलग गुड्स पे सर और अपने हिसाब से वेट लो बनाया हुआ था सब तो तकलीफ वही थी सर सर्विस टैक्स एक्सरसाइज तो केवल नाम अलग अलग था सर बाकी तो सैन्य सबका मिल रहा था ना सर पहले भी तो सर्विस टैक्स एक्साइज को मर्ज करने में कोई तकलीफ नहीं थी मर्ज करने में तकलीफ किसकी होती वेट को हर स्टेट गवर्नमेंट को साथ मिलने लेके आना है सर क्लियर अब पॉइंट आया क्या कि ठीक है सर रेवेन्यू फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कर देंगे पर क्वेश्चन क्या रहा है जितना सीजीएसटी लगेगा उतना ही क्या लगेगा मतलब यार समझ लू बात को ध्यान से ये मार्कर इस पे सीजीएसटी कितना है बेटा मान लो नाइन परसेंट तो महाराष्ट्र एसजीएसटी कितना होगा बेटा राजस्थान एस जी वेस्ट बंगाल एस जी अच्छा अगर मान लो सी जीएसटी इस पर एग्जैम हो जाए तो एसजीएसटी भी एग्जेम होगा बेटा किसको को एग्जाम करना पड़ेगा सारी स्टेट गवर्नमेंट को सर मतलब कहने का ये है कि जो सी जी एक्ट में लिखा है वही जीएसटी में लिखा होना चाहिए सर आप लॉजिकल बात करो सर मस्त हो गए के। और केवल एक स्टेट में नहीं सारे स्टेट्स में अच्छा यार तो ऐसे भी बोल दू क्या यार? कि जो जीएसटी में लिखा होगा वही सी में होना चाहिए और जो सी में लिखा है बाकी सारे स्टेट में भी होना चाहिए सर अच्छा जीएसटी किसका रेवेन्यू बेटा और जीएसटी एक्ट बनाया भी किसने बेटा क्टिव स्टेट गवर्नमेंट बनाया बेटा भाई आज महाराष्ट्र एस जी एस टी एक्ट पास किसने किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गुजरात एस जी एस टी किसने पास किया है यार मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला मोदी जी बहुत बात कर रहे हो ना चलो मार्केट पे नाइन परसेंट एस जी एस टी अब जैसे ही एस में किया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने सी को भी एग्जाम करना पड़ेगा और सी ने एग्जाम किया तो उधर वेस्ट बंगाल में ममता मैडम ने कहा नहीं नहीं हम तो एक और अमेंडमेंट करेंगे वीर को उधर अमेंडमेंट हुआ इधर सी में चेंज करना पड़ेगा सी में चेंज हुआ बाकी सारे स्टेट मतलब तो ये खेलते रहेंगे आपस में बेटा जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी का झगड़ा हुआ वो एस लेके बैठ जाएगा भाई हाँ है ना सर ओ यार अभी आप अभी आपने बात करी कि जो सी में लिखा होगा वो एस में होगा जो एस में, एस, एस में है ना सर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर तो पॉइंट आया क्या ये लॉ बनेगा कैसे यार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हम क्या हमारा पावर तो खत्म हो गया सर आज देखिए सेल्स टैक्स वेट वाज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और वेट का सारा पावर किसका था सर स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट बोले, गवर्नमेंट बोलेगा वही होगा सर उस वेट लोगों में या तो उनकी पावर ही खत्म कर रहे सर हाँ है ना सर बात रेवेन्यू की नहीं है बात पावर की है आप समझ सकते हो बात को घर पे सर <laughs> सर बात को समझना आप ध्यान से आज मान लो आप किसी ऑफिस में कोई काम कर रहा है और उसको बोलते नहीं बस तेरे को गाली सुननी सैलरी ले दस हजार रुपये महीने की सुनेगा यार समझा मेरी बात पावर ही नहीं उसके पास तो स्टेट गवर्नमेंट बोला कि नहीं नहीं सर सिस्टम ऐसा कुछ बनाओ जिसमें पावर हमारे पास भी रहे केवल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहे सर क्लियर सर इसलिए आया क्या जीएसटी काउंसिल कौन आया मालिक अब जीएसटी काउंसिल क्या करेगा सर जीएसटी काउंसिल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स है सर और जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सर जो भी होंगे अभी जैसे निर्मला सीतारामन जी क्लियर अब सर जीएसटी काउंसिल क्या है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स है सर इसके अंदर तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अब जीएसटी लो अगर बनाना है तो कौन बनाएगा सर न सेंट्रल गवर्नमेंट न कोई स्टेट गवर्नमेंट कौन बनाएगा लॉ में कोई अमेंडमेंट करना कौन करेगा जीएसटी काउंसिल देखो जीएसटी काउंसिल लॉ अमेंड नहीं कर सकती पर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी देगी क्या बेटा और जो रिकमेंडेशन उसने दिया है वही सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा और वही सारी स्टेट तो गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा सर हा ना मालिक क्लियर समझे मेरी बात तभी जाके जीएसटी एक साथ इंप्लीमेंट हो पाया है पूरे इंडिया के अंदर इन ऑल द स्टेट्स आल्सो बेटा क्लियर समझाए मेरी बात तो जीएसटी काउंसिल का रोल समझ में आया बेटा आपको ये आज मान लो सर किसी गुड्स पर रेट चेंज करना हो किसी गुड्स पर टैक्स एग्जाम करना हो सर्विस पे टैक्स लगाना हो किसी पे तो कोई स्टेट के हाथ की बात नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ की बात भी नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा समझे आप मेरी बात बच्चों क्लियर रोल समझ में आया आपने देखा होगा कई बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ ये हुआ वो हुआ उसके बाद अमेंडमेंट होता है सर होता है ना सर इसलिए होता है सर क्लियर समझा मेरी बात बच्चों, डन सो सी जी एस टी आ गया एस जी एस टी आ गया क्लियर अब क्वेश्चन आता है क्या सर मान लो अरे मैं देखो अगर आवाज नहीं है ना बेटा आपकी तो गलत भी पढ़ा सकता हूं कुछ सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि मान लो मैं महाराष्ट्र में सर आप भी महाराष्ट्र सर मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज आपको सेल किया सर क्लियर उस पर क्या लगेगा गे सर सी जी एस टी और एस जी एस टी सी जी एस टी कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर एस जी एस टी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का बेटा हाँ है ना भाई अब सी जी एस टी में किसको दूंगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट को सर मैं सप्लायर हूं आपसे टैक्स लिया किसको दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एस जी एस टी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेटा क्लियर अगर यही हम गुजरात में होते हैं तो मैंने आपको गुजरात से गुजरात में सेल किया सी और एस लगाया बेटा क्लियर सी किसको दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एसजीएसटी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को बेटा पर मान लो मैंने महाराष्ट्र से गुजरात में सेल किया अब क्या मालिक आईजीएसटी क्योंकि वहां पर अगर एसजीएसटी लगा दिया देखो फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू तो सेंट्रल का है ठीक है सर पर रिमेनिंग फिफ्टी किसका होगा फिर किसका होगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का या गुजरात का दोनों झगड़ लेंगे सर हाँ है ना इसलिए नया एक्ट लाया ये आई जी एस टी एक्ट ना तुम्हारा ना हमारा आई जी एस टी एक्ट में अब वो आई जी एस टी का रोल क्या है वो देखना ध्यान से देखें हम ध्यान से अच्छा यहां तक पहुंच गए बेटा आप आराम से क्लियर देखो मेरे को जो पढ़ाना है सर वो धीरे धीरे लेके जाऊंगा मैं आपको आगे डायरेक्ट ऊपर लगे ना अगर तो पता बड़ा गए हम ठीक है धीरे 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 क्योंकि मुझे पता है आपको हो सकता है इंडा टेक्स पड़े हुए टाइम हो गया हो सर थोड़ा ठीक है आराम से पढ़ो मस... समझ में आ रहा ना सर आपको रेस्ट ऑन मी ही सर बाकी मेरे पे छोड़ दो सर आप ओके okay. सर देखना ध्यान से मान लो माहौल जबरदस्त सर महाराष्ट्र महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने गुड सेल किया महाराष्ट्र के मिस्टर एच को ओके okay, सर गुड सोया सर्विस ऑफ प्रोविजन सर सेम ओके सर मान लो गुड्स की वैल्यू थी कितनी टेन लैख क्या लगेगा सर सपोज नाइन परसेंट सीजीएसटी नाइन परसेंट एसजीएसटी कितना हुआ सर ओके okay, मालिक इलेवन लैख एटी थाउजेंड इज तो टोटल तो बिल बेटा ओके okay? और समझे क्या ओके okay. सर अब महाराष्ट्र के एच ने महाराष्ट्र के मान लो मिस्टर वाई को यही गुड्स बेच दिया बेटा क्लियर जब बेचा कितने बेचा सर सपोज ट्वेंटी लाख में बेचा ट्वेंटी लाख में सेल किया सर क्या लगेगा लग अगेन सी जी एस टी एंड एच जी एस टी कितना अच्छा एक बात जब एम ने गुड्स बेचा था एच को तो एच ने इलेवन एटी दिया होगा इसको एम को एम ने क्या क्या होगा सर नाइन्टी थाउजेंड पे क्या होगा किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नाइनटी पे क्या होगा किसको स्टेट गवर्नमेंट को कौन से स्टेट को महाराष्ट्र को ओके okay, मालिक ठीक सर सी नाइन एस नाइन ट्वेंटी लेख का सेल हुआ बेटा भैया क्या लगेगा सर हाँ जी वन एटी वन एटी क्लियर ये सेल बन गया जब मिस्टर एच ने वाई को गुड्स बेचा बच्चा। वाई के महाराष्ट्र एस जीएसटी बेटा क्लियर ये वन एटी जब पे किया होगा तब क्या करेगा सी का आई टी सी लेगा ले ले सर नब्बे का बेटा अरे हा है ना भाई एंड नाइनटी पे कर देगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक लेजर के थ्रू इधर 90, एस जीएसटी आईटीसी यूज कर लेगा बच्चे और 90,000 थाउजेंड तो पे कर देगा अरे क्लियर यहां तक समझ में आया बच्चों आपको क्लियर अच्छा तो सर एच ने क्या किया एच ने क्या किया वाई से 2360 लिया उस लिया उसमें से 90 और पे कर देगा किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को और 90 और पे कर देगा किसको स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा अब मुझे बताओ टोटल जीएसटी कितना था बेटा 360 अब तक उसमें से वन एटी किस मिला कौन सा अकाउंट में सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में और रिमेनिंग किसके अकाउंट में सर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेटा है हाँ ना भाई ठीक सर अभी हम देख रहे हैं रेवेन्यू फ्लो कैसे हो रहा है सर कहा से रेवेन्यू कहा जा रहा है बच्चों क्लियर ठीक सर अब मिस्टर वाई ने महाराष्ट्र के मिस्टर वाई ने इन गुड्स को बेच दिया गुजरात की मिस्टर जी को ओके मालिक जब गुजरात के जी को बेचा होगा सपोज थर्टी लेख में सेल कर दिया सर कितने में मालिक थर्टी लेक में सेल कर दिया अब सिंस गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या है सर ये क्या लगेगा सर यहां पे आई जी एस टी क्लियर आई जी एस टी एटीन परसेंट कितना हो मालिक आराम से समझना कोई जल्दी नहीं सर अपने को ना ये सेल इन्वेस्ट बनाया है वाई ने जब गुड्स बेचा किसको जी को क्लियर अच्छा वॉट वी आर गोइंग टू डू ये जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा ओके okay? और वीडियो uh, लेक्चर में जो है बेटा लेक्चर uh, के बाद वर्ड विल डू एक uh, मैं आपको टाइम दूंगा लेक्चर जब खत्म होगा तब यू कैन हैव स्क्रीन शॉट ऑफ ऑल दीज नोट्स तो आप क्या अभी टाइम आपका लिखने में खराब नहीं करे पूरा सुने मस्त हो गया और आप लोग भी सुनना अच्छे से ठीक है बच्चों ओके okay. सर और ये जब बैच खत्म हो जाएगा क्लासरूम नोट्स मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा पर ये जब बैच खत्म होगा तब डालूंगा क्योंकि अगर डेली बेस पे डालने लगे तो बहुत सारी फेल्स हो जाएगी बेटा ओके सर इसलिए अभी आप क्लिक कर लीजिएगा टेम्पररी ओके जो भी वीडियो क्लास है उनके लिए बोल रहा हूँ सर आ, हाँ जी हाँ जी सर गुड्स कहा पहुंच गया गुड्स कहाँ पहुंच गया गुजरात वाह ने क्या लिया आई जी एस टी किससे लिया जी से लिया कितना लिया 540 लिया अब आई किसको पे करेगा IGST is the revenue of central government. Sir, अच्छा एक बात और मस्त होकर डिस्कशन करना सर इस आ, बैच में यहाँ जब हम बैठे हैं आप और मैं ही बैठे हैं बस और कोई नहीं बैठे हम सीखने के लिए आए हैं ना ना हम किसी को जज करने आए हैं ना कोई जज होने यहाँ पे आया है ठीक है मस्त होकर पढ़ो आप सर ठीक है अच्छा कोई आंसर गलत भी हो जाना सर तो ये सोचने कहा मजा आ गया भाई जो मेरे को नहीं आता था या गलत आता था वो सही हो गया सर अभी ठीक है ये हो रहा देखो तो आपको डिप्रेस नहीं होना आपको तो और यू नो आगे बढ़ना है ठीक है उस अप्रोच से सुनना है बात को और कोई गलत आ रहा है आंसर वो सही हो जाता तो वहां तो खुश होना है दुखी नहीं होना है कि मजा आ गया भाई अब तो क्लियर जो गलत हो रहा था वो सही हो जाएगा अब ओके मालिक ठीक सर मेरा पॉइंट आपसे ये आई जी सी किसका रेवेन्यू है सर सेंट्रल का ना स्टेट का अब सोचो आप ध्यान से अगर आई जीएसटी रेवेन्यू दे दे किसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले बिफोर जीएसटी बिफोर जीएसटी इंटर स्टेट सेल जब होता था ना मतलब तब लगता था सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स और वो उसी स्टेट गवर्नमेंट में रहता था जो सेल कर रहा है मतलब महाराष्ट्र से गुड्स जा रहा है कहा गुजरात तो सीएसटी लगेगा और महाराष्ट्र तो, तो गुजरात को ही रेवेन्यू मिलेगा अगर अभी हम पूरा रेवेन्यू देते दे किस को सेंट्रल को तो, तो साहब नाइन साफी हो जाएगी ना याराइन साफी हो जाएगी सर इसलिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं नहीं ना हो पाएगा क्लियर तो सर वहां भी बोला ठीक है सर इसको भी मिल बांट के खाएंगे बाद में क्लियर फिफ्टी परसेंट आपका फिफ्टी परसेंट हमारा होगा ठीक है सर आप बात कर लेंगे सर। कैसे वो होगा? बात करेंगे। इसलिए हाँ ये फंड मैनेजमेंट करता है कौन सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार फंड आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन अभी दस मिनट में समझ में आ जाएगा सर आपको क्लियर ओके okay. तो आईजीएसटी क्या बेटा ये एक तरह से कॉमन फंड है सर क्या ये कॉमन फंड अभी ये मान लो सर चलिए सर 550 किसको किसको देना है सर आईजीएसटी अकाउंट डालना है काढाना है सर आईजीएसटी अकाउंट में ओके okay, कैसे पे करेंगे सर परचेज पे मिस्टर वाई ने 180 सी पे क्या हुआ 180 एस पे किया हुआ है सेल पे 540 लायबिलिटी आ रही किसकी आई की IK, आप मुझे बताओ आईजीएसटी को पे करने के लिए सी और एस का आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर आवाज आ रही ओए अगर नहीं मिलेगा तो वन नेशन वन टैक्स तो गए बेटा हाँ है ना वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वन मार्केट पता है पहले पहले क्या होता था था बिफोर जीएसटी सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता इसलिए आप दूसरे स्टेट से अगर कर, करके लाते थे तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आती थी बेटा और खुद के स्टेट से परचेज करके तो वेट लगेगा वेट का क्रेडिट मिल जाएगा वहां कॉस्टिंग कम थी तो वन मार्केट नहीं हुआ करता था बेटा पूरा इंडिया अभी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट पूरे इंडिया में कहीं से भी खरीदो टैक्स की वजह से कॉस्टिंग में फर्क नहीं आएगा सर आपके इसलिए वन मार्केट बोला गया इसको क्लियर तो आईजीएसटी की लाइब्रेरी को पे करने के लिए सी और का क्रेडिट मिलेगा वरना वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का बैंड बचा था भाई इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि सर क्रेडिट मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा तो सी का क्रेडिट यूज किया बेटा हाँ ना वन पॉइंट एट जीरो यूज किया बेटा और है हाँ ना भाई और रिमेनिंग वन पॉइंट एट आएगा ना सर क्या कर दिया भाई पे कर दिया क्लियर समझे सो अल्टीमेटली सुनना भाई 540 क्या था बेटा आईजीएसटी अब दो मिनट समझना ध्यान से अभी फंड्स मूवमेंट कैसे होगा सर हमको 540 पे करना था आईजीएसटी अकाउंट में सर उसमें से 180 हमने सी का क्रेडिट यूज किया 180 ऐसा क्रेडिट यूज किया और रिमेनिंग 180 पे कर दिया बेटा तो क्रेडिट यूज किया तो इस फंड में अकाउंट में पैसा तो जाना चाहिए ना यार हा ना भाई क्लियर इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला ओ भाई साहब आपका जो वन है ना ये ये निकालो आपके अकाउंट से और कहा ट्रांसफर करो आईजीएसटी अकाउंट में क्लियर तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वन लेंगे आईजीएसटी अकाउंट न लेंगे सर स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बहुत खुश हो रही थी बेटा वन लेख एटी थाउजेंड तो उनको एसजीएसटी आया उनको ला जाओ वापस इधर से पैसा निकालो और कहा डाल दो आई जी एस टी अकाउंट में क्योंकि आपका एस जी एस टी यूज हो गया किसको पे करने के लिए आई जी एस टी की लाइफी को पे करने के लिए क्लियर तो जो क्रेडिट काम आ रहा है वो क्रेडिट उस अकाउंट से निकल के आईजीएसटी अकाउंट में जाएगा मालिक तो 180 एटी यहां से निकला 180 एटी यहां से निकला सर और 180 एटी हमने और पे कर दिया अल्टीमेटली 540 फोर्टी कहां पहुंच गया आई जी अकाउंट में अभी बताओ आज की तारीख में अगर हम बात करें अकाउंट्स की तो सी के अकाउंट में कितना पैसा है जीरो लड्डू क्लियर एस में आई में फाइव फोर्टी क्लियर न सेंटर के पास कोई पैसा है न स्टेट के पास कोई पैसा है कहा है पैसा गुड्स कहा पहुंच गया अरे गुड्स कहा पहुंच गया गुजरात से गुजरात के मिस्टर जी ने गुड्स मानो राजस्थान के मिस्टर जे को बेच दिया क्लियर कितने में सपोज फोर्टी लेक्स में सपोज फोर्टी लैक्स में क्या लगेगा बेटा कितना कितना होता मालिक सेवन ट्वेंटी हाँ ठीक है ठीक है कुछ लोग को चेक भी कर रहे हैं बेटा सर <laughs> सर सेवन ट्वेंटी क्या लग गया भाई आई जी एस टी सुनना सुनना अगेन क्या हुआ है जी इज द सप्लायर राजस्थान के जे इज बायर रेसिपेंट क्लियर इनसे 4720 लिया होगा किसने जी ने ले लिया जे से बेटा क्लियर अब ये सेल पे क्या लग गया आई जी एस टी परचेस भी क्या पे किया हुआ बेटा इन्होंने आई जी एस टी तो सर 720 ट्वेंटी आई जी एस टी पे करने के लिए 5.40 क्या ले लेंगे आई का आई टी सी यूज कर लेंगे सर अरे ना भाई और रिमेनिंग अरे क्लियर अच्छा तो 540 फोर्टी ऑलरेडी आई में था बेटा 180 और पहुंच गया अल्टीमेटली 720 ट्वेंटी आई जी एस टी में पड़ा बेटा गुड्स कहा पहुंच गया अब ये राजस्थान के जे ने राजस्थान के आर को मान लो ये गुड्स बेच दिया क्लियर कितने बेचा बेटा देखते ध्यान से 50 लेख में चलो किसने किसको बेचा है राजस्थान के जेने राजस्थान के आर को कितने में बेचा सर फिफ्टी लेख में राजस्थान से राजस्थान में बेटा इंटरेस्टेड सेल है सर ये क्या लगेगा बेटा सी जी एस टी एंड एस जी एस टी सी जी एस टी लगेगा कितना नाइन परसेंट एस जी एस टी नाइन परसेंट कितना हो मालिक फोर पॉइंट फाइव लेख फोर पॉइंट फाइव लेख यस करेक्ट टोटल फिफ्टी नाइन लैख क्लियर सरकार ओके सर इनडायरेक्ट टैक्स है हा है ना जे ने आर से फिफ्टी नाइन रुपए ले लिए इसमें से फाइव फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव क्या बेटा क्या है सर सी जी एस टी और फोर पॉइंट फाइव क्या है कौन सा एस जीएसटी बेटा राजस्थान का एस जी एस टी बेटा अरे हाँ है ना भाई ऐसे तो अच्छा समझ आएगा अरे क्लियर और ऊपर लिख देता हूं कौन सा महाराष्ट्र ठीक ना? है ना रिवीजन में ध्यान रहेगा आपको ओके सर हाँ जी अब गुड्स का पहुंच गया राजस्थान राजस्थान से राजस्थान में सेल कर दिया अब राजस्थान के जे ने परचेस पे आई जी एस टी पे किया सेवन ट्वेंटी सेल पे लाइवी है सी जी एस टी एंड एस जीएसटी का क्या सी और एस की लाइब्रिटी को पे करने के लिए परचेस पे जो आई जी एस टी पे किया आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर बिल्कुल मिलेगा मालिक बिल्कुल मिलेगा तो कैसे यूज करेगा सर तो फाइव फोर फिफ्टी इज द लाइब्रेटी ऑफ सी जीएसटी तो कोई बात नहीं अब आई को आप पहले सी में यूज कर लीजिए कोई को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर क्लियर वैसे आईजीएसटी में लिखा है कि आई जी एस टी को पे करने के लिए आई जी एस टी का आई टी सी जो है वो पहले आईजीएसटी की लाइब्रेटी के लिए काम आएगा फिर सी के लिए काम आएगा और फिर एस के लिए काम आएगा क्लियर पर आई जी एस टी का आई टी सी के लिए एक अलग से रूल एड किया बाद में और बोला क्या आई जी एस टी का आई टी सी कैन बी यूज फॉर सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन बच्चों क्लियर बाद में था ये रूल क्योंकि सी जी एस टी का आई टी सी बच रहा था और इधर एस जी एस टी की लाइब्रेडी बच रही थी सी और एस और आपस में काम नहीं आते बेटा क्लियर इसकी वजह से बाद में रूल ने अमेंडमेंट किया नया रूल इंसर्ट किया और बोला क्या आई जी एस टी का आई टी सी आप सी और एस में इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यूज कर सकते हो हमें कोई तकलीफ नहीं है क्लियर <coughs> सर पर हां अभी तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर अपने पास क्रेडिट है ही किसका बेटा आई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर तो क्या करेंगे पूरा फोर पॉइंट फाइव लेख सी जी एस टी का लाइब पे करने के लिए हमने क्या किया बेटा आई जी एस टी का आई टी सी यूज कर लिया अरे क्लियर पक्का डन एंड रिमेनिंग रिमेनिंग कुछ बचा ही नहीं बेटा लड्डू नील पेमेंट अरे ना सर इधर एस जी एस टी कौन सा गवर्नमेंट बेटा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट इसको पे करने के लिए क्या करेंगे सर सेवन पॉइंट टू का क्रेडिट था हमारे पास सेवन पॉइंट टू का फोर पॉइंट फाइव गया बचा कितना टू सेवन तो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड हमने आई जी एस टी का आई टी सी यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ लाइवुडी ऑफ राजस्थान एस जी एस टी एंड रिमेनिंग वन एटी हमने क्या कर दिया बेटा एक्चुअली पे कर दिया बेटा हा है ना सर क्लियर अच्छा ये तो हमने क्रेडिट यूज करके लाइब्रेडी पे कर दी अब फंड मूवमेंट कैसे होगा सर अब गवर्नमेंट अपने अकाउंट सेटलमेंट करेगी ना सर इंटर गवर्नमेंट अकाउंट सेटलमेंट होते हैं से। है सर ऐसे एक्चुअली होते हैं सर क्लियर सर अब अकाउंट सेटलमेंट कैसे होगा गवर्नमेंट का सर हमने सेवन ट्वेंटी अकाउंट में पैसा था कहा बेटा सेवन ट्वेंटी कहाँ फंड थे बेटा आई जी एस टी इसको हमने यूज किया फोर पॉइंट फाइव के लाइब्रेडी पे करने के लिए किसका सी जी एस टी वाला तो फोर पॉइंट फाइव यहाँ से निकालेंगे कार्ड डालेंगे सर अकाउंट में किसको देंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट को सर अब सर रिमेनिंग कितना 270 270 हमने किसके लिए, किया राजस्थान, के लिए तो सर, से इतना निकलेगा और कहा जाएगा आजस्था. राजस्थान आजस्था. एस जी एस टी के पास जाएगा क्लियर एंड रिमेनिंग वन एटी हमने राजस्थान एस जी एस टी को पे कर दिया बच्चा क्लियर तो अल्टीमेटली राजस्थान एस जी एस टी को कितना पैसा मिल गया हाउ मच फंडर इन राजस्थान एस जी एस टी अकाउंट फोर फिफ्टी सी जी एस टी में आई जी एस टी में और सेल की चेन खत्म होती है अब और मानो राजस्थान का आर क्या था बेटा एंड कंज्यूमर था वाज़ दी एंड कंज्यूमर खत्म खेल बस खत्म अब मुझे बताओ अल्टीमेटली हुआ क्या गुड्स बना कहा गुड्स वहां से सेल होते हुए गुजरात आया गुजरात से सेल होते हुए राजस्थान आया आप मुझे बताओ अल्टीमेटली कौन सी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला देखो फिफ्टी परसेंट अल्टीमेटली देखो नाइन लेखी टैक्स 9 में से फिफ्टी परसेंट फोर फिफ्टी तो सेंटर को मिलना ही था बेटा कहीं भी बेचो गुड्स आप रिमेनिंग फिफ्टी किसको मिला सर गुड्स कंज्यूम <coughs> का हुआ गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनी क्या था रेवेन्यू किसको मिला दिस दिस इज वाई दिस जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता बिफोर जीएसटी इंटर स्टेट सेल करने में क्या लगता था बेटा सीएसटी और सीएसटी रेवेन्यू था किसका वो स्टेट का जो गुड्स बना रहा है बेटा एक तरह से क्योंकि सेलिंग स्टेट जब बेचेगा सीएसटी लगाएगा और सीएसटी का क्रेडिट नेक्स्ट जो परचेज कर उसको नहीं मिलने वाला बेटा तो रेवेन्यू उसी स्टेट में रहने वाला था सर तो बिफोर जीएसटी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे बेटा उनको रेवेन्यू ज्यादा था बेटा बिफोर जीएसटी बिफोर जीएसटी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे उनका रेवेन्यू ज्यादा था उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था बेटा क्योंकि वो वो ऐसे स्टेट थे जहां से गुड्स बनके बाहर जाएगा अगर दूसरे स्टेट में तो रेवेन्यू उन्हीं के पास रहने वाला है सीएसटी का रेवेन्यू उन्हीं को मिलता था बेटा वो दूसरे स्टेट को क्रेडिट नहीं मिलती थी बेटा उसकी क्लियर पर अभी वक्त बदलते वक्त नहीं लगती देर नहीं होती और सर किस्मत बदल गई और सर अब क्या हो गया कंज्यूमर बेस्ड स्टेट जो हो गए उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा क्योंकि जहां पे कंज्यूमर ज्यादा है बेटा वहां पे गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूम होगा सर्विसेज अल्टीमेटली कंज्यूम होगी और उसी स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा रेवेन्यू मिलेगा बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स क्लियर समझे मेरी बात आवाज नहीं आ रही yes, तो यार एक दिक्कत और आ गई सर तो जब जीएसटी आ रहा था तो सारी स्टेट गवर्नमेंट माननी चाहिए तब जाके जीएसटी आएगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे ना बेटा बोला ना हमसे तो ना हो पाएगा हम हमारा लॉस क्यों करें हर हाँ देश का भला होगा ठीक है पर हमारी रेवेन्यू लॉस का क्या होगा हा ना भाई तो मोदी जी ने बोला मित्रों चिंता ना करें और उनको बोला तुमको जो लॉस होगा उसको भी हम कंपनसेट करेंगे चिंता मत करो देश में कई सारे लोग हैं जो आपकी लॉस को अपनी जान को दाव पे लगा के बियर करने वाले हैं जो तंबाकू खाते हैं सिगरेट पीते हैं हम लेंगे ना उनसे टैक्स और उन्होंने हा, हा हा हम लगाएंगे सुट्टा और देश के लिए टैक्स कलेक्ट करेंगे सो so दैट वो स्टेट्स को हम कंपनसेट कर पाए जिनको लॉस हुआ है जीएसटी की वजह से हम उनको ऐसा कैसे दुख दे पाए इसलिए उन्होंने अपनी जान पे पर पे लगा के जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्ट किया आप नाम सुनाओ सर जीएसटी कंपनसेशन सेस तो सर गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे जिनको जीएसटी से आने की वजह से लॉस हो रहा था रेवेन्यू का उनको बोला चिंता मत करो हम कुछ सेलेक्टेड गुड्स पर एक एडिशनल टैक्स लगाएंगे एक एडिशनल टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा जीएसटी और एक्ट का नाम क्या है एक्ट का नाम है जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 ये नया एक्ट एक और लेके आ गए और कुछ गुड्स टोबेको सिगरेट पीते होंगे बट आप लोग तो नहीं वो ओरिगोना डालते ना बेटा पिज़्ज़ा पे बे। वैसे लोग तमकू डालते बेटा सर नहीं पक्का कुछ बात ही सर <coughs> बोन बेटा है ना सर सुनना बात से रसना बेटा वेरी गुड ये देख बेटा है मैं इसकी क्या बात बताऊँ बेटा ये तो बेटा मतलब पानी में सिगरेट डुबो के फिर पीता है बेटा ये सर सुनना <laughs> सर पॉइंट ये कार्स भाई मोटर वाइकल्स क्लियर सिगरेट्स टोबेको बेस्ड गुड्स इन पे लगाया एडिशनल टैक्स जिसका नाम किया जीएसटी कम्पनसेशन इससे जो फंड आएगा ये ना सी जी एस टी का ना नीएसटी का ये अलग फंड फंड है बेटा ये को गवर्नमेंट क्या करेगा जिनको जीएसटी आने के बाद जिन स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हुआ है वहां फंड को ट्रांसफर करेगा जैसे फॉर एग्जांपल सो करोड़ का फंड कलेक्ट हुआ मान लो इनफैक्ट सो करोड़ नहीं मतलब लाखों में फंड कलेक्ट होता है बोला सर साल भर में अब गवर्नमेंट ने क्या किया टू फाइनेंशियल फाइनेंशल फाइनेंशियल ईयर ईयर को बेस माना सर और हर स्टेट गवर्नमेंट का जो वेट का रेवेन्यू था साल का वो ले लिया सर उनसे और बोला क्या सर ये जो वेट का रेवेन्यू है इसको हम कंपेयर करेंगे अगले पांच साल तक आपकी जो एस एस जीएसटी की रेवेन्यू होगी उससे कंपेयर करेंगे और अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो जितना लॉस हो रहा है उसको हम कंपन करेंगे थ्रू जीएसटी कंपनसेशन सेस और स्टेट गवर्नमेंट को बोला क्या चिंता मत करो वो जो टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन की हमने इसमें हर साल का फोर्टी परसेंट फोर्टीन वन फोर फोर्टीन परसेंट का इंक्रीमेंट भी देंगे सर मतलब फिफ्टीन सिक्सटीन का मान लो इनका वेट रेवेन्यू था महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का मान लो एक हजार करोड़ का तो नेक्स्ट ईयर होगा कितना वन वन फोर जीरो फिर उसमें फोर्टीन परसेंट ऐड कर देंगे सर तो दिस इज हाउ ये एक स्टैंडर्ड मिनिमम रेवेन्यू हो गया सर आपका मतलब मिनिमम रेवेन्यू गारंटी हो गई सर एक तरह से क्लियर इससे कम अगर जीएसटी में रेवेन्यू हुआ एस जीएसटी का आपका तो हम उस फंड से आपको फंड ट्रांसफर कर देंगे तो सर अब तो एग्री हो

सीजीएसटी तो ऑल इंडिया आएगी एक एक्टर सर अरे भाई एक एक बना किसका सीजीएसटी का अच्छा एसजीएसटी हर स्टेट का अलग अलग एक्ट होगा बेटा अपने देश में कितने स्टेट्स बेटा ट्वेंटी नाइन पक्का लिख फिर देखना देखना गलत हो जाए चलो क्लियर सर अच्छा जहां पर स्टेट नहीं है यूनियन टेरेटरीजा यूटी जीएसटी बेटा अच्छा पर आ, तीन यूनियन टेरिटरीज कितनी बेटा तीन एक मिनट पहले यूटी जीएसटी लिए एक यूटी जीएसटी बना दिया बेटा इन्होंने एक इंटरसेट सप्लाई होने के लिए क्या बना दिया बेटा आई जी एस टी एक्ट एक जी एस टी एक्ट बनाया सर अलग से क्लियर एक बना दिया सर ये अरे हाँ ना भाई yes, क्लियर अब सुनो बच्चों ध्यान से बहुत सुंदर बात बताइए अपने बेटा कितने ट्वेंटी एट ठीक है इधर जम्मू कश्मीर किसका है जम्मू एंड कश्मीर देखो किसका है तो क्वेश्चन बनता ही नहीं हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा सर पर जम्मू एंड कश्मीर अ यूनियन टेरेटरी ना ओके पर तीन यूनियन टेरेटरीज ऐसी बेटा दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली पुडुचेरी पौंडीचेरी बोलते बेटा एंड जम्मू एंड कश्मीर ये तीन यूनियन टेरेटरी ऐसी है जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर खुद का है इनका खुद का विधानसभा बेटा एक तरह से स्टेट लेजिस्लेचर इनका भी है बेटा जैसे देखोगा दिल्ली में आम 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 आदमी पार्टी बेटा क्लियर तो इन तीनों यूनियन टेरेटरीज का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है इसलिए इन तीनों का एस जी एस टी एक्ट अलग से बेटा इन तीनों का एस जी एस टी एक्ट अलग से है कितना हो गया बेटा तो 31 ए जीएसटी एक्ट बने हुए हैं इंडिया में एक सी जीएसटी एक्ट एक यूटी जीएसटी एक्ट एक आई जीएसटी एक्ट और एक जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट कितना हो गया बेटा 35 एक्ट्स तो अगर जीएसटी पूरा समझना आपको तो कोई 35 पढ़ने की जरूरत नहीं हो सर आपने अगर सी जीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब बाकी सारे जीएसटी के आपको आते हैं बेटा वन नेशन वन टैक्स अरे क्लियर इसलिए और हां आई जी एस टी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में आता है बेटा ये हमारे सिलेबस में सी जी एस टी और आई जी एस टी था अच्छा यूडी जीएसटी में पता क्या लिखा है केवल एक चार्जिंग सेक्शन दे रखा है दो तीन सेक्शन और दे रखे और बोला क्या बाकी सारे सेक्शन जो सी जी एस टी के वही हमारे अप्लाई होंगे सर और बताए जीएसटी कंपनी से जो है ना बेटा वो फिफ्टी परसेंट एक्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा

पक्का हंड्रेड परसेंट अरे शुरू कर रहे क्या बात को अब हम yes, तो जीएसटी क्या होता समझ समझ में में आया 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 आपको आपको ये कैसे है आपको? हाँ ना भाई क्लियर yes, चलिए सरकार बात शुरू करते हैं अब हम कि सर सबसे पहली बात जीएसटी एक बार ये बता दू क्या कौन कौन से टैक्सेस टैक्सेस्यूम हुए जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी में वो देख लो चलो आप ये एक रहा एक टेबल दे रखा है विच ऑल टैक्सेस गोट सब इन जी एस टी सेंट्रल इन जी एस टी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फिर एक्साइज एंड टॉयलेट प्रोपरेशन एक्ट ये आपकी समरी बुक का पेज नंबर टू है बेटा ओके आप चाहे तो वहां देख लो आप चाहे तो भी सुनिए ध्यान से बाकी अभी मेरे को लगता नहीं बुक की जरूरत है सर ध्यान दीजिए सर्विस टैक्स मर्ज हुआ सीवीडी मतलब काउंटरवलिंग ड्यूटी जो कस्टम इंपोर्ट करता है ना बड़ा? एक मिनट एक मिनट कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ बेटा कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ है कस्टम के साथ में जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एडिशनल स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी थी जो वेट और एक्सरसाइज के बराबर थी बेटा वो मर्ज हुआ है ओके सीवीडी वाज इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज एंड स्पेशल सीवीडी वाज वेट ओके सर इसलिए वो मर्ज किया है देन सीएसटी देन सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज द रिलेटिव सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेटा ओके पर कस्टमर्स नहीं हुआ है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट भाई पेट्रोल डीजल नाम सुना होगा मेरा आपने उस पर अभी भी एक्साइज नहीं है सर टोबेको एंड टोबेको प्रोडक्ट्स पता है पता है ये टोबेक् खाने वाले लोग तो पता है मतलब मैं कह रहा हूं अपना देश चला ही, चला ही लोग लो रहे सर <laughs> सर <laughs> अजुबा केसरी और माणिक चना और, -और कौन सा रजनीगंधा क्या बोला राजश्री क्या राजश्री मतलब आप देखो टैलेंट बढ़ा रहे बेटा सबके सर <laughs> सर आ, सो सिगरेट टॉबेको वगैरह जो भी रहे सर ये अब ये लोग देखो अपनी जान दाव पे लगा के पता है क्या कर एक बार मैंने किसी को तो सिगरेट पीते हुए रोका मैंने कहा सिगरेट क्यों है सर पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ मैंने कहा पता है सिगरेट है नहीं सर देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ मैं मैंने कहा कैसे सर मैं तम्बाकू पीता हूँ तमामू खाता हूँ उससे सर एक्सरसाइज पे करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को सी जीएसटी पे करता हूं एस जीएसटी पे करता हूं जीएसटी कंपनसेशन सेस पे करता मैंने कहा तेरे पैर का है <laughs> <laughs> मतलब सर टोबेक्को पे है सेंट्रल एक्साइज से ड्यूटी भी है टोबेको एंड प्रोडक्ट पर जीएसटी भी है और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है क्लियर ध्यान रखिएगा सर सर अब स्टेट टैक्सेस कौन कौन से मर्ज हुए स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज द रिलेटेड टू तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो और और बहुत मतलब सरचार्ज और सेस जो भी थे सर आप थिएटर्स वगैरह में तो उस पर पे पहले लगता था क्या एंटरटेनमेंट टैक्स अब क्या लगेगा बेटा जीएसटी बॉडीज लोकल बॉडीज लगाती है ठीक है सर देन टैक्सेज ऑन लॉटिंग लॉटरी बैटिंग गेमलिंग जुआ खेलते हो ना बेटा आप लोग सटत लगाते होंगे ना बेटा नहीं कोई बात नहीं उस पर जीएसटी लगता है बेटा फिर एंट्री टैक्स ऑल फॉर्मेज परचेज टैक्स भी मर्ज हो गया सर जमेंट tax, अच्छा स्टिल देर आर साम टैक्सेस इस पे जो मर्ज नहीं हुए स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस अभी भी स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है पहली बात तो आ, वो पता है पांच पहले ये देख लो सर वो पांच पेट्रोलियम गुड ज्यादा है बेटा आपको कौन सा है मैं नाम बोल दू क्या उसके टेक्निकल सर पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नॉलेज पेट्रोल

फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर सेंट्रल एक्साइज नहीं था स्टेट एक्साइज था बेटा नहीं नहीं स्टेट एक्साइज था मैन्युफैक्चरिंग करने लगता था स्टेट गवर्नमेंट मतलब था था का अब दारू को मर्ज कर देते जीएसटी में तो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू शेयर करनी पड़ती फिफ्टी परसेंट किसके साथ बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसलिए लिकर मर्ज नहीं हुआ सर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही अकेला एंजॉय कर रहा था किसको दारू को नहीं हो दारू के टैक्सेस को और मोदी जी ने बोला वैसे भी मैं नहीं पिता सर क्लियर तो इसलिए इनको मर्ज नहीं किया पेट्रोल डीजल वगैरह पे सर हैवी टैक्सेस है सर जीएसटी के अंदर मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन फोर्टी परसेंट बेटा क्लियर सर पेट्रोल डीजल पे बहुत हैवी टैक्स होते है बच्चा इसलिए इसको मर्ज नहीं किया ओके okay? तो सर पॉइंट नंबर वन देखिए स्टेट टैक्सेस जुड़ी लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओपियम इंडियन हेम एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स इन पे अभी भी स्टेट एक्साइज लगता है क्लियर फिर वो पेट्रोल वाले गुड्स पे और दारू पे बेटा देन प्रोफेशनल टैक्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी आप कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन कराएंगे स्टैम्प ड्यूटी लगता ना बेटा कोई फ्लैट खरीदा बुकिंग कराया देन टोल टैक्स रोड एंड पैसेंजर टैक्स ये सारे रेवेन्यू किसके बेटा स्टेट गवर्नमेंट के अभी भी, भी बच्चे ये ये मर्ज नहीं हुए क्लियर पक्का डन ओके तो ये था क्या कौन कौन से टैक्सेस जो मर्ज हो गए किसमें जीएसटी में ओके क्लियर और कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए जीएसटी में वो भी मैंने आपको बता दिया सुधर आपको ध्यान रहे ओके मालिक ठीक सर सर